मस्ती में रहिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। समुच्चय का एक क्षण, दुर्गा गणेश ब्रह्म विष्णु महेश पांच देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए। दुर्गा गणेश ब्रह्म विष्णु महेश पांच देव मेरे भाग्य के सितारे चम। इस समुच्चय अलंकार के प्रयोग में एक अलंकार और है जिसको कहते आक्षेप। पांच देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए, और भाग्य चमकाने पांचों का भी जोर कम पड़े। मेरा भाग्य है ऐसा ही थोड़ी। दुर्गा गणेश ब्रह्म विष्णु महेश पांच देव मेरे भाग्य के सितारे चमकाइए, भाग्य चमकाने पांचों का भी जोर कम पड़े। तो राम कृष्ण जी को इस कार्य से लगाइए। भाग्य चमकाने पांचों का भी जोर कम पड़े। तो रामकृष्ण जी को इस कार्य में लगाइए। फिर आक्षेप देखिए, रामकृष्ण जी के बाद भाग ना चमक सके, मान लो वो भी आ जाए और फिर ना चमके। रामकृष्ण जी के बाद भाग्य ना चमक सके, लगे हाथ हनुमान जी को बुलवाइए। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। रामकृष्ण जी के बाद भाग्य न चमक सके, लगे हाथ हनुमान जी को बुलवाइए। और अब ध्यान चाहूंगा, ये छंद की बंदिश है। सभी मिलकर मुझे कॉलोनी में एक साथ 30x60 का प्लाट दे दिलवाइए। भाई तालियां जरा हो जाए, ये है गुरु जी का आनंद। ऐसे भी एक छंद होता है एकावली। अब एकावली में दो प्रकार की, उत्कर्ष की एकावली, अपकर्ष की एकावली। लेकिन एक एकावली आपके सुन भैया जी। लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान, खानदान से भी कमजोर घर द्वार है, घर द्वार से भी कमजोर नाते रिश्तेदार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार है। कमजोर शादी होना है तो उसमें विशेषता क्या है? अरे यार ठीक है यार, हटाओ खानदान, अरे हटाओ यार कारोबार कुछ तो। लड़के के पिताजी का कमजोर खानदान, खानदान से भी कमजोर घर द्वार, घर द्वार से भी कमजोर नाते रिश्तेदार, रिश्तेदारों से भी कमजोर कारोबार है, कारोबार से भी कमजोर एजुकेशन है, एजुकेशन से ज्यादा रूप का विचार है, रूप रंग से भी कमजोर लड़के का स्वास्थ्य, सब कमजोर पर डिमांड जोरदार है। सब कमजोर पर डिमांड जोर सब। सब कम, सब कम। कभी ये बहुत अच्छे एक एकावली होती है। अब थोड़ा सा अब ऐसा नहीं लगेगा, मैं एक बात बताऊं, मैं तीन प्रकार के छंद मैंने लिखे, तीन प्रकार के उपता हैं। ऐसी भी लिखता हूं, वैसी भी लिखता हूं, और वैसी भी लिखता हूं। भाई अब एक थोड़ी सी गरिष्ठ छंद सुन लीजिए, वरिष्ठ लोगों में एक आध गरिष्ठ भी होना चाहिए। अरुण जी को बहुत बढ़िया छंद पसंद है, विनोक्ति अलंकार भैया ने भी याद दिया। लेकिन जो याद आ जाए तो ठीक, ना आए तो इस उम्र में जरूरी थोड़ी कि याद रह जाए। बहुत से तो काम घर के भी अब याद नहीं रहते, भी तो कोई कहता है कि दद्दू करना है तो मैं ठीक कर दी भाई, क्या कर। सही बात है, ये विनोक्ति। अब विनोक्ति सहोक्ति पर्यायोक्ति, एक विनोक्ति कीर्ति जी तुम। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर, सुख चैन बिना नदी बिना नीर के। अब चाहे अब प्रवीण जैसे मैंने भाई साहब ऐसी सुंदरी जे की जिसकी एक आंख दूसरी आंख को देखती थी। अरे मैंने कहा भैया सुंदरी नहीं होगी, तेरा टेस्ट खराब है। रूपवती नैन बिना आंख ही नहीं तो काई की रूपवती। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन बिना घर सुख चैन, चाहे 50 बिल्डिंग हो जाएं,
लेकिन भाई साहब जब घर नहीं होगा वो, जहाँ सुख चैन है वही घर होगा। वाह 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 सही बात। और सुख चैन तब होगा जब हमारे बाल बच्चे निजी होंगे। नहीं अच्छा ठीक है जी भाई। रूपवती नैन बिना चांद जैसे रैन, बिना घर सुख चैन, बिना नदी बिना नीर के, मार्केट सिंधी बिना सुहागिन, बिंदी बिना बोल चाल हिंदी, बिना धनु बिना तीर के, पंछी जैसे पंख बिना, नोट जैसे अंक बिना, पूजा जैसे शंख बिना, देवी बिना चीर के, शस्त्र बिना वीर, बिना सिर के शरीर, वैसे भारत लगेगा हमें बिना कश्मीर, कश्मीर के। भाई वाह, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, ऐसा छंद सुना नहीं होगा आपने आज तक। एक श्रृंगार रस का छंद पढ़ता हूँ। इसमें हंसी की क्या बात है, उम्र ही ज्यादा है, बाकी सब ऐसा ही मामला है, कोई नई बात नहीं है, जवानी है। ये अधिकतर सभी कवियों ने लिखा, ये प्रश्न भी घर में हो, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। अब चाहे कैसे ही लगे, कहना ही पड़ता है कि तू ही है एकमात्र बढ़िया। इस परेशानी से एक छंद निकला जी, और मैंने अपने ढंग से अपनी बात कही। किस ढंग से? कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में, कुनकुनी धूप सी सवेरे लगी सर्दी में, शाम होते लगता भरी भरी रजाई हो। हा 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 सोम होते लगता भरी भरी रजाई हो, गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो, गर्मी में डियर बियर जैसी लगती हो, लस्सी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम या मलाई हो, सर्दी में गर्म और गर्मी में शीतल हो, मेरे अनुकूल ऋतुओं को बना लाई हो, घर में बताओ अब कैसे लगवाऊं एसी, तुम मुझे एसी से अधिक सुखदाई हो, तुम मुझे वाह वाह। थोड़े से ऐसा लगता है कि जवान लोग कम बैठे, ज्यादा गरिष्ठता में वरिष्ठता हावी हो जाती है। यूं भी कह सकते हैं कि बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम, बनारस की सुबह जैसी लगती हो कभी, लखनऊ की सुहानी शाम लगती हो तुम, अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज में देने वाली, घर बैठे बैठे चारों धाम लगती हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं, वो कर सकूं निष्काम लगती हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो समझ में आता नहीं, हो कर सकाम निष्काम लगती हो तुम, और स्पर्श करते ही सारा दर्द दूर होता, जैसे दर्द हारी कोई बाम लगती हो तुम। ये एक विशिष्ट छंद के लिए वगैरह, हालांकि मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, लेकिन ऐसे भी छंद होते हैं। एक ऐसा छंद भी दी, ये एकावली का छंद है। अक्षर है ब्रह्म, शब्द ब्रह्म नहीं है, बहुत से कवि शब्द टूटता है, घिसता है, बिरता है, कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन जिसका क्षर ना हो, नाश ना हो, वो है अक्षर। इसलिए अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म नहीं है, ये मेरी मान्यता है। वाह वाह वाह। अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना है, काव्य काव्य में विमल वाणी भरमात सार दे। अक्षर है ब्रह्म, ब्रह्म की उपासना है, काव्य काव्य में विमल वाणी
भर मात सारद है वाणी में, स्नेह नेह में हो विश्ववास, रस रस से हृदय पूर्ण, कर मात सारद है हृदय में हो प्रपंच छल से रहते भाव, भाव में लगाओ तू ही भर मात सारद है हो लगाव में प्रभाव, हो प्रभाव प्रीत भरा और प्रीत से अनीततम हर मात सारद है, हर मात सारद है। केवल लंका दहन को मैं चार पंक्तियों में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका शब्द विन्यास उसके बाद एक छंद के बाद मैं अपनी जगह ज्यादा मैं वैसे ही इस उम्र में ज्यादा खड़े भी नहीं रहना चाहिए, होता भी नहीं मामला। लपटों ही लपटों में लिपट गई है लंक लाल रह धारी, किलकारी मारी लूम लूम। क्या होता है ये मनहरण घनाक्षरी के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं प्रवीण जी, रूप घनाक्षरी, कृष्ण घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, हरिहरण घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, को ही कई प्रकार थोड़ी है। हालांकि हम सब नहीं सुनाएंगे, सुना सकते हैं वैसे, तो अपन ने जिंदगी भर किया ही क्या है। ये है रूप घनाक्षरी जी, स्वागत। जो गुरु लघु पर टूटे वो रूप, लपटों ही लपटों में लिपट गई है लंक लाल रह धारी, किलकारी मारी लूम लूम, कनक कंगूरन को किलक किलक कपी, तमक तमक तोड़ता ना 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 तुम तुम, कनक कंगूरन को किलक किलक कपी, तमक तमक तोड़ता ना 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 तुम तुम, आग के बवंडर आकाश लो घुमड़ रहे, आग के बवंडर आकाश लो घुमड़ रहे, घरन घरन घेर घनाना घूम घूम, पवन प्रचंड झकझोर चहूर मारे, पानी के परत बोले सना नना सोम सोम, पानी के परत बोले पानी के परत बोले सना। अधर छंद सुना दीजिए ददु संभव हो तो। अधर छंद ये है कि मैंने लाल किले पे लाल किले पे सुना है संचालन में, मैं ब्लेड के द्वारा अधर छंद सुनाया था। ये मेरे पास 12 ब्लेड ये अपनी सुई हैं, सही सही है, देखो मतलब देखो कोई कलाकारी नहीं है। तो अगर आप कहें तो मैं ब्लेड से भी सुना सकता हूँ, आप कहें तो ये मैंने दिल्ली में कभी कहीं सुनाया नहीं है, तो मैंने इसी से सुना दीजिए जब आपका मन ये है कि इसी से सुना। लेकिन एक बात भी है, इसके बाद फिर हम कोई छंद ना सुनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है अधर की, और कुछ ऐसी मान्यता भी है कि फिर पढ़ना संभव नहीं जी। तो कविता सुना सकते हैं, छंद नहीं, कविता सुना सकते हैं, छंद नहीं सुनाएंगे, कविता पहले सुना दे रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप कर गए और उसके बाद फिर शुरू कर रहे हो। उतने शब्द, उतने अक्षर, उतने भाव, उनका समन भी जरूरी है। केवल हम ठीक है हास्य व्यंग के कवि हैं, लेकिन शास्त्र तो शास्त्र है और उसके नियम पालन करना बहुत जरूरी है। जो कविता कहें वो सुना दें उसके। कीर्ति जी ने कही है चंद्र ग्रहण। हाँ ठीक है, कीर्ति जी का आदेश शर्मा थे भैया, एक विज्ञान की कविता में बहुत जल्दी भैया जहाँ भी हैं हाँ बैठिएगा। ये कविता सृष्टि जब तक रहेगी तब तक चलेगी, क्योंकि जब तक सूर्य और चंद्र होंगे तब तक कविता होगी। कविता ही का शीर्षक है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, इसमें गुरु जी की कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो उनकी है कि भाई कविता नक्षत्रों के ऊपर आसरस का कवि अपने ढंग से। जो कुछ विज्ञान कह रहा है मैंने उस विज्ञान को हास्यरस में कहने की कोशिश की है, सीधे सीधे सारी बातें विज्ञान की हैं और कविता बिना किसी भूमिका के आपके साथ। आप विज्ञान के बारे में जानते होंगे, इतना सब जानते हैं, शुरू करो भैया जी, एक बार आदेश कर दीजिए कि कुछ रिस्क ले रहे हैं। विज्ञान की कविता के पहले सबसे पहले मैं अपनी स्थिति बता दूं क्या है, क्योंकि भैया बेंत लेके खड़ा भी होना पड़ता है, 72 में भी चल रहे हैं। पहले गजब की खुराक थी मगर आज पूरा खाना 2 चपातियों से जोड़ देता हूँ। ये समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति। पहले गजब
की खुराक थी, मगर आज पूरा खाना दो चपातियों से जोड़ देता हूँ। और शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिया, तन देख मन की उमंग। शुगर की बीमारी ने अंग अंग तोड़ दिए, तन देख मन की उमंग तोड़ देता हूँ। अब समा सोक्ति, जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी मुख मोड़ देता हूँ। जिस मिठाई को पाने पागल सा दौड़ता था, आज उसे पाकर भी मुख मोड़ देता हूँ। और पीछे पड़ जाती है मिठाई कोई, तब उसे किसी नौजवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। ये समासोक्ति तो बहुत से अलंकारों के बहुत प्रयोग मैंने किए। एक अलंकार ये भी है, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टोंग अड़ाए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? हा 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 हा, इतने बुझे हो मत सुनिए भाई, जब विज्ञान ताली बजाओ, यही तो मामला है। बहुत अच्छा है यार, ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को आकुल व्याकुल किए, मिलन की कामना लिए, लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद, जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कम वक्त चंद्रमा दोनों के बीच में ठक जाता है। भाई क्या बात है, किस तेवर की रचना है! वाह 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 वाह, चंद्रमा दोनों के बीच में थक जाता है, ये ओछेपन की निशानी है। ये ओछेपन की निशानी है, लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में कड़ा है। आहा, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। और ये कि कवि कहता है इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। अब यहाँ सब बात आती है कि इतने कवि बैठे, यहाँ भी सब कवि बैठे, किसी कवि ने आज तक सूर्य की कोई उपमा नहीं की। और कवि कितना ही छोटा हो और उसकी मासूका कितना ही कंडम हो, लेकिन चांद का टुकड़ा तो वो बोला ही देगा कंचन कंचन, इससे कम उपमा देता ही नहीं। तो भाई सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की उपमा क्यों नहीं करता कोई? यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी खंड का लिखा पहली पंक्ति, चारु चंद्र की चंचल किरणें, सूर्य के मामले में नहीं। प्रवीण राय ने पूछा, गुरुजी बात क्या है? कोई भी कवि सूर्य की उपमा क्यों नहीं कर? अरे मैंने कहा रिस्क ही मत लेना रे, सूर्य बहुत खराब देवता, उसके दो लड़के तो हो रही खराब, एक शनि एक यमराज। अब मान लीजिए कि तुमने कोई सूर्य की उपमा फंसा दी कविता में, और उसने कहा बेटा शनि, अरे वो प्रवीण शुक्ल कोई उपमा टाइप की, अब मैं तो जानता नहीं क्या कर लिया उसने, एक राउंड लगा घर का। तो साढ़े साथी की जरूरत नहीं, ढाई ही में निपटा देगा। बहुत अच्छे, शनि तो शनि। अब मान लीजिए हमारे अंबर जी, बहुत बढ़िया कवि, क्या हमारी अग्रज पीढ़ी के आध्यात्मिक तो आज के ही बढ़िया संचालक, लेकिन कभी ऐसा भी होता इनने कोई उपमा फटकार दी सूर्य की, सूर्य का दिमाग खराब, बेटा ये यमराज। अरे वो फर्रुख का बात कौन है रे, वो अंबर, वो जरा एक राउंड लगा।
अब मान लीजिए इनके घर साक्षात यमराज आ जाएं, तो ये सम्मान से संचालन करेंगे कि अंदर चलिए सर, अंदर चलिए। अरे भैया यमराज है, सिट्टी पुट्टी बंद, ये थोड़ी कहेगा नाश्ता करके जाओ। इतनी रिस्क कोई लेता ही नहीं। इसलिए कहा सूर्य स्वभाव से गंभीर है और चंद्रमा चारू चंद्र की चंचल करण, चंद्रमा चंचल, सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। अगर वह राशि का समुचित लाभ उठाए तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथा ही, फिर भी उसके चक्कर लगाता है। वाह 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 वाह, ये चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, लेकिन फिर भी उसके चक्कर लगाता है। एक तो चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिप जाता है। वाह वाह वाह, मतलब सूर्य से डरता है, ये सरासर कायरता है। बुझ दिलासकों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं, और विज्ञान वाले से चंद्र ग्रहण क्यों। वाह 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 वाह। हाँ जी हाँ जी, और अंतिम छंद के रूप में ये अधर छंद, जग के करता धरणी धरता अखिलेश कलेश सदा के हरैया, नटना गर है रसगागर है दया सागर है जन काज करैया। हा हा भाई, तालियां पूरे पूरे सदन की उठनी चाहिए। आज खेली सखी का लंडी के तट गेंद घनी घनी नंद के छैया, नाचे छना छन 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 नाग के सीसन सीस कन्हैया, नाग के सीसन सीस कन्हैया, नागे के। तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए।